एक गरीब मच्छियां फड़न वाला अपने परिवार के नाल एक छोटी जिही झोंपड़ी के विच रहिंदा सी। हर रोज की तरह वह मच्छियां फड़न जाता है, पर इस बार उसके जाल विच मच्छियां की राणी आके फस जाती है। मच्छियां की राणी उसके अगे हाथ जोड़ती है तो कहती है कि कृपा करके मैनू जान दे, तेरी या तेरे परिवार की जो भी इच्छा होगी, जिन्या भी इच्छावां होणगियां मैं पूरियां करांगी। वह मच्छियां फड़न वाला अपनी घरवाली दे नाल सलाह करता है, मच्छियां की राणी जान दिंदा है। उस तो बाद उन्हां दीआं इच्छावां शुरू हो जांदीआं ने। ओह पहलां ते रोटी कपड़ा मकान घर दीआं पक्कीआं कंधां ही मंगदे ने, पर थोड़े चिर बाद जद उन्हां दीआं इह इच्छावां पूरीआं हो जांदीआं ने, ओह सोहणे कपड़े सोहणीआं गड्डीआं महल खजाने मंगदे ने। थोड़े चिर बाद ओह राज मंगदे ने। थोड़े चिर बाद वड्डे वड्डे महल जमीन जायदाद मंगदे ने। जद ओह गरीब आदमी मच्छियां फड़न वाला ते उसदी घरवाली ते उसदा परिवार राजे बन जाते हैं, उन्होंने सारा कुछ मिल जाता है, तो एक दिन गरीब आदमी की घरवाली मच्छियां की राणी को इच्छा मंगती है कि हुण मैं सूरज नूं अपने वस विच करना है। मच्छियां की राणी यह गल सुन के उन्होंने कोलों सारा कुछ लै जाती है और वापस वह उस ही झोंपड़ी के विच उस ही गरीबी के विच आ जाते हैं। दोस्तों सानू साड़ियां इच्छावां उस प्रकार ही रखनिया चाहीदियां ने जिन्नी कि सानू लोड़ है। जाती जरूर मारनी चाहिए है कि असी परमात्मा को मंग रहे हैं। इन्नी ही गल करदा मैं, शिवां दा जाचक हाँ। धन्यवाद।